फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की रेसिपी है गुड़ के रसगुल्ले। इसके लिए सबसे पहले हम 1 लीटर दूध को गर्म करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम विनेगर मिलाएंगे। एक साथ ही ज़्यादा विनेगर नहीं डालना है। विनेगर को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसे चम्मच से मिला देंगे। ये देखिए, अभी दूध फट रहा है। अब हम इसमें विनेगर नहीं मिलाएंगे। इसमें छेना और पानी पूरी तरह से अलग अलग हो गए हैं। अब हम इसे एक कपड़े से छान लेंगे। हम इसे ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसमें से विनेगर का सारा टेस्ट निकल जाए। पनीर को हमें ठंडे पानी से ही धोना है ताकि हमारा पनीर सॉफ्ट ही रहे। ठंडे पानी से धोने से इसकी कुकिंग यहीं पर रुक जाएगी। अब हम इसका पानी हल्के हल्के हाथों से निकाल देंगे। अब इसके ऊपर एक भारी बर्तन रखकर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखिए, अब इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। अब हम इसे तोड़ लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसे हथेलियों की मदद से मसलना है इस तरह से। हमें तब तक मसलना है जब तक ये सारा पनीर एक साथ एक डो जैसा तैयार ना हो। ये देखिए, अब ये पूरा पनीर एक साथ आ रहा है और इसमें एक भी दाने नहीं है। ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। इसे एक बार इस तरह से हथेलियों में मैश कर लें ताकि ये इसमें कोई किसी भी तरह से क्रैक ना रहे। ऐसे हम सारे गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। सिरप बनाने के लिए हम 1 कटोरी गुड़ लेंगे और उसमें डालेंगे 3 कटोरी पानी। गुल्ले बनाने के लिए हमें ऐसा चौड़ा मुंह वाला बर्तन ही लेना है कि रसगुल्लों को फूलने के लिए अच्छे तरह से स्पेस मिल सके। अब इसे हम ढक देंगे। अब गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है। अब हम इसमें एक एक करके रसगुल्लों को डालेंगे। अरे, रसगुल्लों को हमें एक साथ नहीं डालना है, इससे सिरप का टेम्परेचर कम हो सकता है। फ्लेम को हमें हाई मीडियम पे ही रखना है। अब हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। देखिए, रसगुल्ले अब फुल कर दोगुने साइज के हो गए हैं। अब हम चम्मच से सिरप को हल्का हल्का हिलाएंगे।
हम इसे फिर से ढक देंगे और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। हम एक रसगुल्ले को एक गिलास पानी में डालकर देखेंगे। अगर रसगुल्ला नीचे बैठ जाए तो इसका मतलब रसगुल्ला पक चुका है। ये रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं। अब हम ढक कर गैस बंद कर देंगे। गुल्लों को हमें कम से कम 2 घंटे तक सिरप में ही रहने देना है। ये हमारे गुड़ के रसगुल्ले बनकर तैयार हैं।